हेलो दोस्तों, मैं हूं बड़े मियां और आज हमारे साथ है छोटे मियां। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। दोस्तों आज हमारे पास है 5 इंच का फ्री स्टाइल FPV ड्रोन और इस ड्रोन का नाम है वॉलीडोर का VD5। ये जो वॉलीडोर VD5 है ये एक एनालॉग FPV ड्रोन है और इस ड्रोन से हम दो फ्लाइट मोड को टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दो सॉफ्टवेयर यूज होता है FPV ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए, एक है बीटा FPV और एक है INF। दोनों में फर्क ये है कि उसमें रेस्क्यू मोड आता है बीटा FPV में और इसमें RTL मोड आता है। और बीटा FPV में हम लोग को पोजीशन होल्ड नहीं मिलता है, मतलब हमारा ड्रोन एक जगह होल्ड करके नहीं रह सकता है, लेकिन INF में हमारा ड्रोन जो है वो एक जगह होल्ड करके रह सकता है, अपना पोजीशन को लॉक कर सकता है। तो इस वाले फ्लाइट मोड को आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि मुझे INF पे पोजीशन होल्ड चाहिए। ये दोनों मोड जो है वो इसलिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि जब हम फ्री स्टाइल FPV को फ्लाई करते हैं ना, तो हमारे ड्रोन में जो है सेफ्टी फीचर्स नहीं होता है। अगर हमारा ड्रोन रेडियो के रेंज से बाहर चला जाता है या फिर किसी कारण वीडियो लॉस हो जाता है या फिर ड्रोन बहुत ज्यादा दूर चल जाता है और हमें एरिया का पता नहीं लगता है, तो इन कंडीशन में जो है हमारा ड्रोन क्रैश हो जाता है, हम लोग ड्रोन को वापस बुला नहीं पाते हैं और हमारा जो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन इन दो मोड की वजह से हम अपने ड्रोन को सेफली अपने तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वाला मोड जो है वो इसलिए भी अमेजिंग है क्योंकि अगर आपके ड्रोन में RTL या पोजीशन होल्ड होता है तो आपको फ्लाई करने में और भी ज्यादा मजा आता है, लाइक ऑटो पायलट, क्योंकि इसमें FPV भी है और आपको एक ऑटो पायलट का भी फील आता है क्योंकि आपको इसमें पोजीशन होल्ड मिल रहा है और RTL भी मिल रहा है। तो जो भी बंदा, जो भी न्यू बिगिनर्स लोग हैं, ठीक है, जो FPV में नया नया कदम रखे हैं और उन लोगों को चाहिए कि रिस्क फ्री होकर के वो इजिली FPV ड्रोन को फ्लाई करना सीख लें, तो ये जो मोड है ये बहुत काम का मोड है और इन मोड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग जो जो FPV ड्रोन से जुड़ना चाहते हैं या FPV के फील्ड में आना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को देख करके अपना FPV जर्नी के स्टार्ट कर सके। और हाँ, आप में से जिन्हें नहीं पता है कि आपके भाई का अपना खुद का एक YouTube स्टोर है, वो इस स्टोर वाले बटन को क्लिक करके हमारे स्टोर में आ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है hitechxyz.in, वहां जाने के लिए आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट के होम पेज पर आते हो तो आप देख सकते हो कि हम ड्रोन, ड्रोन पार्ट्स और ड्रोन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9142884517 पर। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं स्लॉट बुक करवा करके। तो हम लोग कस्टमाइज ड्रोन पे भी काम करते हैं, तो अगर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो कि वेबसाइट पे ड्रोन वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आप कस्टमाइज भी अपना रिक्वायरमेंट दे करके और ड्रोन को बनवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ड्रोन को एंगल मोड पे आर्म करेंगे और टेक ऑफ करेंगे और फिर से देंगे पोजीशन होल्ड। तो मैंने एंगल मोड पे सेट करके रखा हुआ है, इसको करते हैं आर्म। तो ड्रोन हमारा आर्म हो चुका है और अभी हम लोग इसको देंगे पोजीशन होल्ड। तो आप देख सकते हैं पोजीशन होल्ड मैंने दे दिया है, ड्रोन का रिमोट मैंने छोड़ दिया है और ड्रोन एक जगह स्टेबल है। और जैसे ही जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट कनेक्ट होता है ड्रोन, उतना अच्छा पोजीशन होल्ड देता है हम लोगों को। यहाँ पर रिमोट मैंने छोड़ दिया है और ड्रोन एक जगह स्टेबल है, आप देख सकते हैं। आप अपने ड्रोन से पोजीशन होल्ड को यूज करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप सबसे पहले तो पोजीशन होल्ड से होल्ड मोड में टेक ऑफ नहीं लेंगे, आप किसी भी मोड में रख करके ड्रोन को टेक ऑफ ले सकते हैं और जब आपको पोजीशन देना है तब आप पोजीशन मोड में स्विच करेंगे। जैसे ही आप पोजीशन मोड में स्विच करते हैं, आप जिस भी परसेंटेज में आपका थ्रॉटल रहेगा, सपोज कि आप 30% थ्रॉटल में फ्लाई कर रहे हैं किसी और मोड में और आपको पोजीशन होल्ड डालना है, तो जैसे आप पोजीशन होल्ड मोड स्विच करेंगे तो आपका 30% ही वो थ्रॉटल का सेंटर हो जाएगा, तो वहीं पे आपका ड्रोन जो है होल्ड हो जाएगा। अगर आपको उससे ऊपर करना है तो 30 से प्लस करना होगा, अगर आपको नीचे करना है तो 30 से नीचे करना होगा। लेकिन नॉर्मल जो ड्रोन होता है उसमें बिल्कुल अलग होता है, उसमें सेल्फ सेंटरिंग थ्रॉटल होता है, मतलब थ्रॉटल जो है छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाता है। तो उनमें क्या होता है कि आप सेंटर से जैसे ही ऊपर लेके जाते हैं तो ड्रोन आपका ऊपर जाता है, सेंटर से नीचे लेके आते हैं तो ड्रोन जो आपका नीचे आता है। तो यहाँ पे सेल्फ सेंटरिंग थ्रॉटल नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ड्रोन को एंगल मोड पे आर्म करेंगे, कुछ दूर भेजेंगे, उसके बाद हम लोग इसको RTL देंगे। तो ड्रोन किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आप पूरा वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पे हमने एंगल मोड पे सेट किया हुआ है, इसको करते हैं आर्म और हमारा ड्रोन हो चुका है टेक ऑफ। अभी हम लोग भेजेंगे ड्रोन को थोड़ा दूर। और अब हमने यहाँ पे RTL फ्लिप किया और मैंने यहाँ पर रिमोट छोड़ दिया है और ड्रोन जहाँ से टेक ऑफ हुआ था वहीं पर आकर के लैंड होगा। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ से टेक ऑफ किया था, थोड़ा सा आगे पीछे लैंड हो सकता है, लेकिन ड्रोन जहाँ से टेक ऑफ हुआ था लगभग वहीं पर आकर के लैंड होगा और ड्रोन वापस आ रहा है हम लोगों के लोकेशन पे।
जब हम लोग आरटीएल देते हैं तो ड्रोन थोड़ा सा हाइट लेता है, उसके बाद फिर वापस आता है। वो हाइट आप लोग फिक्स कर सकते हैं कितना हाइट होना चाहिए। और अभी हम लोग ड्रोन लोकेशन पे आ चुका है और धीरे धीरे ड्रोन जो है अपना एल्टीट्यूड कम करेगा। तो यहाँ पर ड्रोन जो है अपना एल्टीट्यूड कम कर रहा है और अपने लोकेशन से थोड़ा सा दूर लगभग 2 मीटर के फासले में ड्रोन जो है वो लैंड हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रोन आ चुका है और ड्रोन अभी फेस मेरी तरफ है और ड्रोन अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। और ड्रोन जैसे ही लैंड होगा थोड़ी देर में प्रॉपर इसका ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा आरटीएल वर्क करता है। हमने टेक ऑफ किया था यहाँ से और ड्रोन लैंड हुआ है यहाँ पर। लगभग 2 मीटर की दूरी पर ड्रोन जो है वो लैंड हुआ है। अगर आप आरटीएल यूज करते हैं तो जब आप किसी भी फ्लाइट मोड पर ड्रोन को आगे भेज चुके हैं, ड्रोन आपसे कुछ दूरी पे है और आप उसको आरटीएल पे स्विच करते हैं, तो जैसे ही आप आरटीएल पे स्विच करते हैं तो ड्रोन पे आपने जितना भी एल्टीट्यूड सेट करके रखा हुआ है कि मेरा ड्रोन जो है जिस वाले लोकेशन पे आपने फ्लाई किया था जिस हाइट एल्टीट्यूड पे उससे 20 मीटर या 10 मीटर उतनी हाइट पे जाएगा और फिर वो फेसिंग आपके तरफ करेगा और वापस अपने लोकेशन पे आएगा। लोकेशन पे आने के बाद फिर वो फेसिंग अपना फॉरवर्ड की तरफ करेगा और फिर अपना एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम करेगा। फेसिंग इसलिए वो चेंज करता है, मान कर रखिए कि आप जो है ड्रोन को फॉरवर्ड भेज रहे हैं और आपका कैमरा फॉरवर्ड की तरफ है, ठीक है। लेकिन जब आप आरटीएल दोगे, आरटीएल में आपका कैमरा घूम करके आएगा, मतलब ड्रोन जो है नोज आपके तरफ करके आएगा ताकि आप उसी ट्रैक को देख सको एफपीवी गॉगल्स में कि ड्रोन जो है वो आपके तरफ कैसे कैसे करके आ रहा है। और ये दोनों फीचर्स जो है आप लोगों को आईएनएफ में मिलता है। तो अगर आप एफपीवी यूज कर रहे हैं बीटा फ्लाइट के साथ तो आप आईएनएफ पे स्विच कर सकते हैं ये दोनों फीचर्स को एक्टिव करने के लिए। एफपीवी ड्रोन में जो आपका एल्टीट्यूड है उसको आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि रिटर्निंग के टाइम पे या आप जब भी आरटीएल मोड पे स्विच करते हैं तो आपका ड्रोन का कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए, वो कस्टमाइजेबल है। तो एप्लीकेशन से या सॉफ्टवेयर में जाकर के आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और बात का आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग आरटीएल पे स्विच करते हैं तो ड्रोन जो है हमारा वो उस जगह से आपको टेक ऑफ करना है जहां पे ऊपर का जो एरिया है वो ओपन हो, क्योंकि जब आपका ड्रोन रिटर्न आएगा तो वो बिल्कुल आपका सेंटर पहले आसमान में मैच करेगा, उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ में आपका एल्टीट्यूड धीरे धीरे गिराएगा। उस बीच में अगर वायर पेड़ या और भी कुछ चीज आता है तो उसमें फिर ड्रोन टकरा सकता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, आपको ड्रोन वहीं से टेक ऑफ करना है जहां पे आसपास जो एरिया हो वो खाली हो, ताकि आपका 2-3 मीटर अगर ड्रोन इधर उधर लैंड हो तो भी आपका ड्रोन किसी में टकराए ना और आपका ड्रोन बिल्कुल सेफ रहे। और जब भी आप आरटीएल यूज करते हैं तो आपका ड्रोन जो है फिक्स पोजीशन पे लैंड नहीं होता है, थोड़ा सा आगे पीछे लैंड हो सकता है, तो इसका भी ध्यान देना है आपको। तो जब आरटीएल में आपका ड्रोन आपके तरफ रिटर्न आता है तो आप आरटीएल को स्विच कर सकते हैं और वापस से जिस भी फ्लाइट मोड पे आपने छोड़ा था उस पे ले सकते हैं। सपोज दैट आपने एंगल पे फ्लाई किया, ड्रोन आपका दूर गया, आपने आरटीएल दिया और ड्रोन वापस आ रहा है और फिर आपको एंगल पे स्विच करना है, तो जैसे ही आप आरटीएल ऑफ करेंगे तो ड्रोन आपका एंगल पे आएगा। ये नहीं कि ड्रोन आकर के लैंड हो जाएगा तभी फिर आप दोबारा उसको आर्म करके टेक ऑफ कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ड्रोन आपके नजदीक आ चुका है, आप वीडियो गॉगल्स पे आपका देख रहे हैं, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं और फिर उसको फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी मोड को चेंज करते हैं, अगर आरटीएल मोड से चेंज करते हैं तो आपको थ्रॉटल का ध्यान रखना होगा वरना ड्रोन ऊपर नीचे जा सकता है। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम ड्रोन को आर्म करते हैं या फिर बैटरी प्लग करते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना होता है जब तक हमारा सैटेलाइट कनेक्ट नहीं होता है। तो आईएनएफ पे आपका क्या है कि 6 से प्लस सैटेलाइट कनेक्ट होगा तभी आपका ड्रोन काम करेगा और तभी आपको आरटीएल और पोजीशन होल्ड का फीचर्स मिलेगा। इसमें एक चीज और है कि एक्यूरेसी, अगर आपका सैटेलाइट 10, 12, 15 या 20 तक कनेक्टेड है तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा आपको पोजीशन होल्ड में भी और आरटीएल में भी। पोजीशन होल्ड में भी आपका अगर ज्यादा सैटेलाइट कनेक्ट है तो ड्रोन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पोजीशन होल्ड करेगा, और आरटीएल में अगर ज्यादा सैटेलाइट कनेक्ट है तो जहां से आपने टेक ऑफ किया था बिल्कुल वहीं पर आकर के ड्रोन लैंड होगा, और अगर कम सैटेलाइट कनेक्ट है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 2-4 मीटर। तो आप जब भी ड्रोन को टेक ऑफ करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि एफपीवी गॉगल्स में आप सैटेलाइट काउंट जो है वो आप निकाल करके रखें ओएसडी में, ताकि आपको सैटेलाइट दिखे और सैटेलाइट जितना ज्यादा मैक्सिमम नंबर हो कनेक्ट हो जाए उतने सैटेलाइट से, उसके बाद ही आप फ्लाई करें। मतलब 6 सैटेलाइट में अगर ड्रोन आर्म हो सकता है तो भी आप 8-10 होने का वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। एक बार कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आप फ्लाई करें ताकि आप निश्चिंत रहें कि हाँ मेरा जो जीपीएस है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और हम कभी भी आरटीएल लेंगे तो मेरा प्रॉपर आरटीएल काम करेगा। और ऐसा भी होता है कि जब आप 6 सैटेलाइट पे आपने ड्रोन आर्म कर दिया, ड्रोन आपका टेक ऑफ हुआ और जैसे ही आपने एल्टीट्यूड इंक्रीज किया तो सैटेलाइट जो है वो और ज्यादा स्पीड में कनेक्ट होता है। तो आप हाइट लेंगे, ड्रोन हाइट पे रहेगा तो ज्यादा जल्दी सैटेलाइट कनेक्टेड होगा, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आप जब आरटीएल दे रहे तो कि मेरा सैटेलाइट 10 है 12 है, वो आपको पता चलेगा तब आप उसको आरटीएल दे या पोजीशन होल्ड दे। तो इस तरीके से आप फास्ट सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रोन पे। एक बार आपको एल्टीट्यूड इंक्रीज करना है
और फिर डिक्रीज करके उसको जब सैटेलाइट ज्यादा कनेक्ट हो जाए तब आप पोजीशन होल्ड दे सकते हैं। लेकिन एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सैटेलाइट का आपको काउंटिंग दिखेगा वहां पे। तो जिस वक्त आप आरटीएल देने वाले हो उस टाइम पे आप उसको ध्यान से देख लेना कि कितना नंबर ऑफ सैटेलाइट कनेक्टेड है, उस नंबर को देखने के बाद ही आप आरटीएल देना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में सारा कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने जाना है कि हमारे जो एफपीवी ड्रोन है उस ड्रोन में हम पोजीशन होल्ड कैसे वर्क करता है और कितना एक्यूरेसी रहता है पोजीशन होल्ड में, और हम लोगों का जो ड्रोन है उसमें आरटीएल कैसे काम करता है और आरटीएल में किस तरीके से ड्रोन लैंड होता है। तो हमने बिल्कुल देख लिया अपने ड्रोन को। और अगर आप अपना खुद का एफपीवी ड्रोन बना रहे हो या फिर आपको अपना खुद का एफपीवी ड्रोन बनवाना है तो आप इन मोड्स को उसमें डलवा सकते हो और खुद से डाल भी सकते हो। इन फ्लाइट मोड्स को जब आप लेते हो तो कोई जरूरी नहीं कि हमने जिस ड्रोन को फ्लाई करके अभी आप लोगों को दिखाया है वीडियो में, इसी ड्रोन को आपको बाय करना है या ऐसा ही आपको ड्रोन बनाना है। आप किसी भी ड्रोन पे जा सकते हो, कोई सा भी एफपीवी ड्रोन है उस पे आप इन सभी मोड्स को ले सकते हो। तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा पीएनपी ड्रोन है, बहुत सारा एफपीवी ड्रोन है, उन ड्रोन में भी अगर आप ये फंक्शन एंड फीचर्स चाहते हो तो सभी ड्रोन में आप ये फंक्शन एंड फीचर्स पा सकते हो। सिंपली आप जब ऑर्डर करोगे कस्टमर सपोर्ट से बात करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, तो उस हिसाब से एफपीवी ड्रोन जो आप बाय कर रहे हो उसको कस्टमाइज करके हमारा कस्टमर सपोर्ट आपको शिप करवा देगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। ड्रोन रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वेबसाइट को चेक करें, ड्रोन पार्ट्स देखें, ड्रोन परचेस करें और अपना एफपीवी जर्नी को स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।